उत्तराखंड की त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान बचाई और उनको पहुंचा, उनको वीर चक्र राष्ट्रपति जी ने दिया। और अपने इस कार्यक्रम के दादा भगत नजार भगत जी के जो कार्यक्रम धरोहरी हो रहा है, माननीय सी एम साहब, माननीय उपराष्ट्रपति जी रहेंगे, इसके संयोजक भाई मंदीप बनी जी, जिला के महामंत्री प्रवीण कोपनी जी, निगरान समिति के चेयरमैन राम फरनैन जी, ब्लॉक समिति के अपने चेयरमैन रविंद्र जी, बुढ़ा खड़ा के सरपंच बाजू जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरजीत खाजिया जी, सत्यपाल शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सदीप मित्रा जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु ओम प्रकाश रावत जी, बहादुर सिंह जी, सभी कार्यकर्ता, आपसे भरत जगन्नाथ डाक की जयंती के बारे में 23 तारीख को जो धनौरी में हो रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी रहेंगे, उसके उसको संख्या ज़्यादा जुटे, लोगों की संख्या ज़्यादा हो, लोग अपने प्रिय नेताओं को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी आए हैं। अपनी बात एक जैसा कि अभी हम सबको आदरणीय गोयल साहब ने अभी बताया, हम आज यहाँ पे पहले अभी बरवाड़ा में इसी प्रकार की बैठक लिए, वहाँ पे बरवाड़ा जो विधानसभा के कार्यकर्ताओं की और अभी यहाँ पे उपलाना के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आए हैं। विषय जैसा अभी आप सबको बताया गया है आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी ने, हरियाणा सरकार पिछले 8 साल से अलग अलग जो समाज के संत शिरोमणि बड़े बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे सब की कोई न कोई सरकारी कार्यक्रम करके उनका सम्मान कर रही है पिछले 8 सालों से। उसी के निमित्त अब धनौरी में आने वाली 23 तारीख को जो संत शिरोमणि भगत गन्ना जी की जयंती है उसको मनाने जा रहे हैं। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें सब राजनीति पार्टियों के लोग आमंत्रित हैं, इसके अंदर सब समाज के लोग आमंत्रित हैं, और पीछे जैसे कई संतों की इसी प्रकार से पार्टी ने उनको लेके, उनके विचारों को लेके, उनकी उपलब्धियों को लेके, किस प्रकार से उनकी सोच होती थी, ऐसे सारी चीज़ को लेके भगत गन्ना जी की भी जयंती मनाने जा रहे हैं। और इसी के निमित्त क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हम सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में और प्रदेश में है, इस कार्यक्रम में जो उपराष्ट्रपति जी हैं महामहिम धनखड़ साहब, वो मुख्य अतिथि के नाते आएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी वो इसके अंदर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के अंदर जो आदरणीय सुभाष बराला जी हैं, वर्तमान में ब्यूरो के चेयरमैन हैं पब्लिक एंटरप्राइज ब्यूरो के, और पीछे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो वहाँ से MLA थे, वो पूरे प्रदेश के संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और हमारे हिसार के संयोजक आदरणीय मनदीप मलिक जी हैं। क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज आह्वान करने के लिए आए हैं
वैसे तो कई दिन से लगे हुए इस कार्यक्रम में, पर विशेष रूप से यहाँ पे भी आए हैं ताकि पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंदर जाके विभिन्न वर्गों के लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को, विभिन्न श्रेणियों के लोगों को, हर प्रकार के जो भी है उसमें इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ और कार्यक्रम को सफल करें। और वहाँ पे जो वक्ता भगत धन्ना जी के बारे में बताएंगे, उनके आशीर्वचनों के बारे में बताएंगे, कैसे उनके द्वारा जो बातें कही गई वो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज हैं, इस महान श्रेणी के वो होते थे, इससे उनके जीवन के बारे में जब चीज़ें निकल निकल के आएंगी तो समाज में एक प्रेरणा जाएगी कि भाई हमारे जो शीर्ष लोग थे, जो पुराने हमारे पुरखे थे, पूर्वज थे, वो कैसे अच्छे विचार उनके होते थे, किस प्रकार से एक आदर्श जीवन वो जीते थे, और उससे फिर आज की पीढ़ी एक प्रेरणा लेगी, और प्रेरणा लेने से हमारा वर्तमान भी ठीक होगा, जो आज दारू बप्पा नशा लड़ाई झगड़ा इस प्रकार की विभिन्न बीमारियां समाज के अंदर चल रही हैं, कुरीतियां हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, उनसे हम ऊपर उठेंगे, और इससे वर्तमान की जो पीढ़ी जब इस प्रकार के काम करेगी तो आने वाला जो भविष्य है, जो आज छोटे हैं बच्चे हैं, वो वर्तमान की पीढ़ी से एक प्रेरणा लेंगे, इस प्रकार से देश आने वाले समय में ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक होगा। ये कार्यक्रम के निमित्त ये पत्रक भी सरकार की तरफ से छपा है, जो एक निमंत्रण पत्र है सारा का सारा, जो आम जन है उनको ये दिया जाएगा, और जो एक छोटे वाला है ये विशेष लोगों के लिए है, जो कोई वीआईपी टाइप के लोग हैं, कोई खाप के प्रधान हैं, या अन्य प्रकार के मौजूद लोग हैं, या समाज के अंदर जो संस्थाएं हैं, ब्राह्मण समाज है उसके कोई प्रधान है, ओड समाज है उनके कोई प्रधान है, इस प्रकार के जो सीनियर टाइप के लोग हैं उनके लिए छोटा वाला पत्रक है, उनके लिए छोटा वाला कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है। ये सारा का सारा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, और आपके माध्यम से जो आम समाज है, जो आम जन है, उनको भी मैं आपका आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरकार की तरफ से, बराड़ा साहब की तरफ से, कि आप सब भी आएँ, और वहाँ पे उस दिन भंडारा भी होगा, वहाँ पे आशीर्वचनों को भी सुनें, अपने जीवन में उनसे प्रेरणा भी पाएँ, और बाद में भंडारा लेके उसका भी आनंद लेके जाएं, वो भी एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाएं। इस निमित्त आज हम सभी यहाँ पे आपके बीच में आए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि धन्ना भगत की जयंती जो है वो धनोरी गांव में मनाई जा रही है, इसमें धनोरी गांव को ही चुनना किस मकसद को लेकर के ये धनोरी गांव को चुना गया? वैसे तो जो भगत धन्ना जी थे वो टोंक के पास एक गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था, परंतु क्योंकि वो एक संत थे तो पूरे उत्तर भारत में कई जगह उनके नाम से मंदिर भी हैं और गुरुद्वारे भी हैं। यहाँ पे धनोरी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे इस प्रकार का कार्यक्रम हर वर्ष होता है। इस बार फिर सरकार ने भी कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंदर है, प्रमुख स्थान है, तो इसमें हम भी अपना योगदान करेंगे। 3 दिन का वहाँ कार्यक्रम है, 21, 22 और 23 का। 23 वाले दिन ये जनसभा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से भी योगदान के नाते, इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाएं ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए धनोरी गांव को इसमें चुना। डॉक्टर साहब, कितने लोग वहाँ पर जुड़ने की संभावना है और किस प्रकार से जो व्यवस्था है, ड्यूटियाँ किस प्रकार से लगाई गई है? अभी हम यही बात कर रहे थे, पीछे वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मनदीप जी जो ये सारा देख रहे हैं, 150 बसें तो पीछे हो चुकी हैं अब तक जो हमारा सारा कैलकुलेशन है, और इनका कहना है 200 प्लस तो
बसें होंगी, और उसके अलावा जो छोटी गाड़ियां वगैरह है उनका तो मंदिर जी कह रहे हैं जी कोई हिसाब किताब नहीं है, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, हजारों। पुराना भी अनुभव हमारा इसी प्रकार का रहा था, पीछे गुरु तेग बहादुर जी की भी हमने जयंती मनाई थी, उसमें भी हजारों की संख्या में लाख से भी ऊपर लोग इकट्ठे हो गए थे। ऐसा ही अनुमान यहाँ पे भी कर रहे हैं, बल्कि अभी चिंता भी हो गई थी कि भाई इतने लोग अगर आ गए तो इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि इनका जो अगर ये कह लो कि भाई फॉलोइंग का इलाका अगर देखें तो राजस्थान भी पूरा का पूरा है, पंजाब भी पूरा का पूरा है, हरियाणा तो है ही है, और भी उत्तर क्षेत्र में काफ़ी जगह पे प्रभाव आज भी इनके अनुयायी मिलते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। कैप्टन साहब, हर समाज को आप तवज्जो दे रही है सरकार, तो आगामी और किस जो कह सकते हैं कि समाज का इनका निमंत्रण होता है, या आप स्वयं सरकार इसको समझाने संतों का जन्म या उनके जो सरकार है वो ये कार्यक्रम कर रही है, और हम उसके एक निमित्त बने हुए हैं पार्टी के नाते, क्योंकि सरकार आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की है। पीछे भी हमने यही देखा है कि एक निमित्त बन के हम समाज के अंदर जाते हैं, और समाज के फिर अन्य अन्य वर्ग के लोग इसके अंदर इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक लोगों को लेके जो संतों को लेके जो कार्यक्रम बनते हैं उसमें सब प्रकार के वर्गों के लोग। मेरा मतलब ये था कि सरकार स्वयं संज्ञान लेती है या इनके पास कोई समाज का एक निमंत्रण जाता है कि आप ये कार्यक्रम दें? नहीं, मेरे उस प्लानिंग वाले लेवल पे तो मैं हूँ नहीं आज के दिन, क्या वहाँ बनता होगा, क्या सिस्टम रहता होगा, परंतु कुल मिला के जिस प्रकार के बाद में जो नीचे आती है बात, क्योंकि तीन चार तो मेरे अभी इस क्रम के अंदर हम देख चुके हैं, तो वहाँ क्या प्लानिंग रहती है कुछ ना कुछ तो बैठ के चिंतन विचार विमर्श होता ही होगा। सरकार लेवल पे है, पार्टी लेवल पर नहीं? ना ना, ये सरकार लेवल, ये पार्टी लेवल पर नहीं, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ना ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम का कोई कार्यक्रम। सर, इसमें किसी गैर राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें, गैर राजनीतिक संगठन की अगर बात करें, तो किसी व्यक्ति को भी इसमें अतिथि वगैरह बनाया गया? हाँ, अभी मंदिर जी और हमने एक हर जिले के अंदर छोटा छोटा एक और कार्यक्रम किया था जहाँ हमने समाज के लोग बुलाए थे, तो उसमें मेरे ख्याल से हिसार जिले के 95% जो खाप हैं उनके सबके प्रतिनिधि आए थे, और उन्होंने सबने ये कहा है भाई हम आएंगे। इसी प्रकार से उसी कार्यक्रम के अंदर अपने वैश्य समाज के लोग आए, उन्होंने भी कहा, उसके अंदर अपने ओड समाज के जो अपने वो छात्रावास है कबीर छात्रावास, वहाँ के सब लोगों ने कहा। पुराना भी अनुभव ये है और इस बार का भी यही रहा है कि हर वर्ग जो भी संपर्क में आ जाता है वो पूरा जोर शोर के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। दो अलग अलग प्रकार के निमंत्रण पत्र बनाए गए, इनका क्या? मैंने आपको बताया ना, सबको ये छोटे वाला तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो वीवीआईपी टाइप के लोग हैं, थोड़ा समाज के अंदर सीनियर टाइप के लोग हैं, उनके लिए छोटे वाला है, और बाकी आम जन के लिए क्योंकि आसान भी हो जाता है एक पत्र के नाते, पैम्फलेट के नाते, उन सब के लिए ये दूसरे वाला, इतना ही है, बाकी शब्द लगभग सेम से हैं, इसमें थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा है। जी मंदीप जी, बताइए कार्यक्रम की तैयारियां जो हो किस प्रकार से चल रही है? कार्यक्रम की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है, पिछले 10 दिन से हिसार जिला में इस कार्यक्रम की तैयारी अंतिम रूप में जा रही है, और 23 अप्रैल रविवार को 10 बजे नरवाणा के पास धनौरी गाँव में श्रोमणी संत भगत धन्नाचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है। 56.5 साल में हरियाणा के को बने हुए हो गए, पहली बार मनोहर सरकार ने 8 साल पहले यह निर्णय लिया कि किसी भी समाज के संत जो महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती हम सरकार की स्तर मनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहा, और उस प्रयास में पिछले दिनों हमने चाहे हमने सूरसेन जयंती मनाई चाहे कबीरदास जयंती मनाई, उसी कड़ी में अब हम 23 तारीख को ये श्रोमणी संत भगत धन्नाचार्य जी की जयंती, जो कि टोंक जिले में राजस्थान के दूनी तहसील में धुआं गांव में पैदा हुए थे 1415 ईस्वी के अंदर, और जिनकी वाणियां आज गुरुवाणी के अंदर भी हैं, जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं,
तो उसको लेकर के मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की तैयारियाँ चली हुई हैं, हरियाणा प्रदेश के संयोजक के रूप में माननीय सुभाष बराड़ा जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी आपस में बातचीत चलती रहती है, लाखों की संख्या में इकट्ठा एक संगम, बहुत बड़ा संगम, बहनों और भाइयों का, महिला और पुरुषों का, हर तरह के वर्ग के लोगों का, सर्व समाज का, संतों का, खापों का, सब लोगों का नॉन पॉलिटिकल ये कार्यक्रम रहेगा और धनौरी गांव में लाखों की संख्या में इकट्ठा कट होगा। और खास बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया है, सबसे प्रार्थना करी है, आपसे भी मैं उनकी तरफ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठे होंगे, प्रसाद के रूप में वहाँ पर भंडारा लगाया जाएगा देसी घी का, आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए की जा रही है। हिसार की बात करें, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 150 के आसपास हमारी बसें, जो कि हम सब सर्व समाज के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम के जिम में जाने के लिए हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ 200-250 के बीच में बसें हमारे अभी उकलाना विधानसभा की, जिसमें बसें पेंडिंग हैं, और इस प्रकार से 2-3 जगह और पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ 80 के आसपास बसें और हो जाएंगी, तो 230-235 के आसपास तो मैं गारंटी से विद लिस्ट, विद नेम, विद गांव, विद टेलीफोन नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। और जो पर्सनल गाड़ियाँ की जो अध्यक्ष जी ने बात की, मैं लिस्ट बनाते बनाते मेरे पास जो है ना, मेरे जो दो डायरियाँ भर चुकी हैं कि जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं 1000 से ऊपर पर्सनल गाड़ियाँ जो है ना वो लोगों की जाएंगी। आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि संतों की इस कार्ड की बात की थी, हम खापों में जा करके, मैं खुद कल गया था सहरावत खाप के, हरियाणा के अध्यक्ष हैं जयवीर सिंह सहरावत खरण में, उनके पास गया था, कृष्णानंद जी महाराज हैं जो वहाँ डेरे के खरण में हैं उनके पास हम गए थे, और विजय गिरी जी मिर्जापुर डेरे में हैं उनके पास गए थे, अभी दर्शन गिरी जी हैं जो आपके बरवाड़ा के पास डेरे में हैं, जो जिला पार्षद भी हैं उनको हमने दिया था, जो किसान नेता है बलवान सिंह सुंडा है उनको हमने दिया था, पंचग्रामी के खाप के अध्यक्ष हैं रामनाथ जी खेदड़ उनको हमने दिया था, सात बास खाप के प्रधान है बलवान सिंह मलिक सुल्तानपुर से हमारे, उनको हमने दिया था, युवा सतरोड़ खाप के प्रधान हैं हमारे खांडा से हैं विजेंद्र जी, उनको हमने दिया था। इस प्रकार से हिसार के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ लगभग सभी खाप, सभी संत इस कार्यक्रम में जाने के लिए उतावले हैं, उत्सुक हैं, और वो अपने अपने साधनों के अलावा बसों में भी और अपने साधनों से भी इस कार्यक्रम में जा करके इस जो संगम एक बहुत बड़ा लाखों का होगा उसमें अपने भव्य रूप से अपनी हिसार जिले की उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। सर, पिछले दिनों नरवाना में एक जयंती का कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अगर बात करें वहाँ की सिक्योरिटी की, तो जो मुख्य दो रास्ते थे वहाँ से ज़्यादातर लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन एक जो कठिन रास्ता था ट्रांसफार्मर के नीचे से लोग गुजर रहे थे। एक सवाल तो ये है, क्या इसी प्रकार की जो सुरक्षा है वो रहने वाली? दूसरा सर, अगर महिलाओं ने उस कार्यक्रम में काला कपड़ा ओढ़ रखा था तो वो उनका उतरवा रहे थे, साइड में रखवा रहे थे, क्या इसी प्रकार की व्यवस्था अब रहने वाली है या कुछ और चेंजिंग है? उस कार्यक्रम की क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और नहीं है, और मैं उस व्यवस्था में नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है कि देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंटीज होते हैं, उन सिक्योरिटी पॉइंट्स को हमें भी मद्देनजर रखे, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और प्रशासन का और पुलिस का हमें जो भी है सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। बाई चांस कोई छोटी मोटी ऐसी घटना घट जाए तो बाद में फिर आप बुरा मत मानना, आप लोग ही उस बात को दूसरी तरफ से ले आते हो। तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पॉइंट से चाहे आप और चाहे मैं हूँ और चाहे कोई और को बड़ा नेता है, छोटा कार्यकर्ता कोई भी हो, सब लोगों को सिक्योरिटी में तो हमें देश की सुरक्षा में, प्रदेश की सुरक्षा में सहयोग करना ही चाहिए। मलिक साहब, अभी आप लोगों ने बताया है कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये, तो इसमें और जो पार्टी के कोई लीडर है या कार्यकर्ता है सर, उनको भी बुलाया जा रहा है? हम खुले मन से सभी पार्टियों को खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं, और मैं ही नहीं, हमारा संगठन ही नहीं, हम पूरे सरकार की तरफ से, सरकार अपने तौर पर सब लोगों को आमंत्रित कर रही है, इसी कार्यक्रम में नहीं, हर कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने बताया, हरियाणा प्रदेश के बने हुए लगभग 56.5 साल हो चुके हैं, उस 56.5 साल के उस कार्यकाल में किसी भी सरकार में, मैं किसी का नाम लूँगा, किसी ने भी इस प्रकार का सर्व समाज को जोड़ने का, लोगों ने क्या किया था कि हर संत को, महापुरुष को जातियों में बांध दिया था। हमारी माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में पहली सरकार है जिसने इस धारा को, इस जो काम को तोड़ने का काम किया, और सब संतों को सर्व समाज में बांधने का काम किया। इसलिए कोई भी जयंती जो होती है उसमें कहते हैं सब समाज के, सब धर्म के सभी लोग उसमें शामिल हो। इसलिए हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से
सभी को खुला निमंत्रण है, न्योता है, और वहाँ पर जैसे मैंने बताया खाप है, संत है, और जो मुखिया लोग हैं, अपने अपने समाज के लोग हैं, अपने अपने कोई संस्थाओं के लोग हैं, कोई शिक्षा समितियों के लोग हैं, सबको आमंत्रित किया गया है। वो चाहे किसी पार्टी से संबंध क्यों ना रखते हो, इसमें पार्टी का विषय नहीं है, इसमें एक संत का विषय है। और संत की जो जानकारी के लिए जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पहली बार प्रयास किया है इस 56.5 साल में, मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत बढ़िया एक अच्छा संदेश जाएगा, और हमारी जो संस्कृति हिंदू संस्कृति का उसका प्रचार और प्रसार होगा, और लोगों को पता चलेगा किस प्रकार से हमारे संत हुए हैं, उन्होंने क्या तपस्या की है, उनकी क्या विचारधारा रही हैं, उनके क्या उपदेश रहे हैं, और उनको सीख करके हमें अपने जीवन में ढाल करके किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत सराहनीय है। मुख्य वक्ता हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी होंगे, और वैसे जानकारी के लिए वो भी राजस्थान से हैं। है जी, वो तो मुख्य दिक्कत है। हाँ जी, जो उनकी वाणी का जो मुख्य प्रेरणा स्रोत है कि उनका जो जीवन परिचय, जीवन परिचय के बारे में जो विचार, वो कौन देता है? वो जीवन परिचय के बारे में उनके जो वहाँ टोंक जो जिले में धुआं गांव है, वहाँ के लोगों को, वहाँ जो उनका जो मंदिर है, वहाँ उनके जो अनुयायी हैं, उनको निमंत्रण दिया हुआ है, बाकायदा वहाँ से भी बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले हैं।